यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस का सदस्य गणित एक्सरसाइज है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किमी कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किमी कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करो। मान लीजिए ये आयत है, आयत ये लंबाई और ये चौड़ाई, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ये और ये चौड़ाई। पहली वाली जो कंडीशन है इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल ए। पहली वाली जो शर्त कही हुई है, पहली शर्त में कहा है यदि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, लंबाई 5 कम कर दें। तो लंबाई अगर हम क्या कर दें, x की जगह x माइनस 5 कर दें, लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 बढ़ा दें, चौड़ाई कर दें 3 ज़्यादा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 इकाई कम। पहले वाले क्षेत्रफल से 9 कम हो जाएगा, तो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, यानी कि पहली कंडीशन में कहा है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन है हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो दूसरी वाली शर्त यहाँ हम लाते हैं। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, यानी लंबाई तो बढ़ा दी 3 एंड चौड़ाई बढ़ा देते हैं 2, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल हो जाता है 67, यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था एक्स इंटू वाई उसमें 67 बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये है दूसरी शर्त, यानी पहली शर्त में लंबाई 5 कम करें, चौड़ाई 3 बढ़ाएं तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, और दूसरी में लंबाई 3 इकाई बढ़ाएं, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाएं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बढ़ना मतलब जोड़ना, कम होना यानी कि घटा देना। अब यहाँ से दो एक समीकरण बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो ए है ए का मान पुट कर दें, ए बराबर है एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई रख देंगे, ए क्षेत्रफल का एक्स इंटू वाई, यहाँ गुणा करेंगे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5 बाई माइनस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3x 15 को उधर ले जाएं, माइनस का 9 प्लस 15 इक्वल टू 3x माइनस का 5 बाई, तो पहली जो समीकरण आ जाएगी हमारी 15 में से 9 घटाएं 6 बचेगा, तो 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 6, 3x माइनस 5 बाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3x माइनस का 5 बाई इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 1। 3x माइनस का 5 बाई 3x माइनस का 5 बाई इक्वल टू 6, 15 माइनस का 9 इक्वल टू 6। अब दूसरी समीकरण की ओर चलते हैं, दूसरी शर्त से क्या बनेगा, ए का मान है एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू गुणा करेंगे, ये होगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो यह हो जाएगा 61, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। दो समीकरणें आ गई, इन दोनों को सॉल्विंग करेंगे, x एंड y का मान निकाल लेंगे, और एक x लंबाई हो जाएगा और y चौड़ाई हो जाएगा। दोनों समीकरण हमारे पास हैं, पहली समीकरण ये है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 6, और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमको x और y का मान ज्ञात करना है,
तो आसानी से देखो मान निकाल सकते हैं, या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो। और अगर यहाँ पे y बराबर करते हैं 3 और ये 5, तो इसको करेंगे 3 से गुणा 15, और इसको करेंगे 5 से गुणा 15। तो समीकरण गुणा करने के बाद मैं लिख देता हूँ 3 × 9 माइनस का 3 × 15 और 3 × 18, ठीक है। और उसके बाद ये वाली आ गई 5 × 10 एंड 15y = 5×5=30। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर ये ऐड हो जाएंगी, तो 19x = कितना हो जाएगा, 305 में 18 जोड़ देंगे, 18 और 5 होता है 23, ठीक है। तो 323, तो x = 323/19, 19×19 और बचेंगे 3 और हाँ 63, तो (305 + 18) तो x का मान अगर इतना आ रहा था तो पॉइंट में आ गया, इस तरह से देखा जाए तो x का मान इतना आ जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे भी कोई समीकरण है और हम y x का मान रख देंगे और कैलकुलेट करके y का हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो ये 3×323/19 − 6 = 5 बाई, तो यहाँ एलसीएम लेके मान निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व करना है, वाई का मान भी आ जाएगा कैलकुलेशन। और एक बार क्वेश्चन की इक्वेशन और चेक कर लें, वैसे तो सही है मेरे अकॉर्डिंग, वैसे तो ठीक है, फिर भी एक्स एंड वाई का मान इसमें इस तरह से आ जाएगा।